एनएसएस की तरफ से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और कल्पतरु संस्थान की तरफ से मिलकर आज छात्राओं को इरेडिकेशन ऑफ प्लास्टिक के बारे में बताया गया, प्लांटेशन के बारे में समझाया गया और हमारे बीच में विष्णु लांबा सर आए थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से छात्राओं को बताया है कि किस तरीके से प्लांटेशन किया जाना चाहिए और हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना क्यों जरूरी है ताकि फ्यूचर में बच्चे बहुत अच्छे से इन कार्यक्रमों को कर सकें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कल्पतरु संस्थान का कि इस तरीके से वो संस्थान में आकर छात्राओं को अवेयर कराते रहे और इस तरीके के प्रोग्राम कॉलेजेस में वो करते रहे। धन्यवाद। यहाँ पे राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट चलते हैं जिसमें बच्चों के पास बहुत सारे गुण आते जाते हैं, तो ये बच्चे अपनी इच्छा से जिसमें भी इनके पास हुनर है उन चीजों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इनको पूरा उत्साह है। कुछ बच्चे हमारे रंगोली का कार्यक्रम करेंगे, कुछ बच्चे वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज बना सकते हैं, प्लांटेशंस के ऊपर किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा सकता है। हमारा मकसद यही है कि जितनी भी छात्राएं हैं वो और लोगों से मिलके उनको बता सके, समाज में ये बात बाहर ला सके, चाहे वो रील माध्यम हो, चाहे उनका बोलने का तरीका हो, चाहे वो जगह जगह जाकर कच्ची बस्ती हो या कोई भी जगह हो वहां बताएं जाकर कि हमें किस तरीके से लोगों को अवेयर कराना है अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए।